नमस्कार दोस्तों, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 45 और धारा 46 को समझेंगे। धारा 45 में कहा गया है आधिकारिकता से बाहर अपराधी का पीछा करना, और धारा 46 में कहा गया अनावश्यक अवरोध न करना। आइए हम दोनों को समझते हैं सरल शब्दों में कि इसमें क्या लिखा गया है। तो धारा 45 में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी किसी अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए भारत के किसी स्थान में पीछा कर सकता। धारा 45 सरल शब्दों में, आसान शब्दों में कह रहा है कि पुलिस अधिकारी किसी अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए भारत के किसी भी स्थान में जा सकता है, उस अपराधी का पीछा कर सकता है। इसके बाद धारा 46 कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। यानी किसी अपराधी व्यक्ति को पुलिस जब गिरफ्तार करती है और अपने थाने में ले जाती है तो उसको एक छोटे से कमरे में रखा जाता है। अब उस कमरे में दरवाजा है, सब कुछ है, में गेट को बंद कर दिया जा सकता है। अब उसको मान लीजिए कि गेट को बंद कर दिया गया, अंदर वो व्यक्ति पड़ा, उसको अंदर भी हाथ पांव बांध दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा, जो कि धारा 46 से कहता है कि ऐसा नहीं किया जाएगा। सिर्फ उसको इतना किया जाएगा कि वो भागे नहीं। तो कहने का मतलब है कि जिस घर में उसको रखा जाएगा उसके सिर्फ गेट को बंद कर दिया जाएगा, ये नहीं कि उसका हाथ पांव भी वहाँ पर बांध के रखा जाएगा। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि धारा 45 और 46 आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के आप लोग के बीच में मैं लेकर आते रहूँगा। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।